फाइनली गाइस अभी ना हम सनासन में पहुंच चुके हैं और हमने ना अपनी दोनों मेट्रो यहाँ पर लगा ली हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट करने आते हैं लोग। तो देख सकते हैं गाइस सनासन का काफी अच्छा नजारा है और देख सकते हैं नीचे जो झील है ना सनासन की, काफी बड़ी झील है और यहाँ पर झील में देख सकते हैं काफी ज्यादा फिश है यहाँ। तो फ्रेंड्स सफर में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर चलते चलते अभी ना हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं और नीचे ना थोड़ी गर्मी लग रही थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ, अभी ना 6 बज चुके हैं और अभी ना मेरी तैयारी होगी है सनासर जाने की। तो आज मैं, भैया और मेरे दो भाई और एक मेरा कज़न जा रहे हैं हम पिकनिक करने सनासर। तो दूसरे ना हालांकि बजे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ ही चला जाऊँ। तो उधर देख सकते हैं मेरा कज़न बैठा हुआ है, तो मैं और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं रोड की तरफ। तो अभी हम रास्ते में पहुँच चुके हैं और अभी ना 6 बज चुके हैं। तो हम ना घर से निकले थे 5:30 बजे। आज ना मेरी सुबह काफ़ी जल्दी से हो गई थी, तो आज मैं जागी थी 5 बजे, उसके बाद तैयारी वगैरह की। तभी ना सफर में आगे बढ़ते हैं, तभी ना काफ़ी दूर है ऊपर रोड, तभी ना मेट्रो भी नहीं आई है। तो जैसे जैसे मैं सफर में आगे बढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। फाइनली गाइस अभी ना हम रोड में पहुंच चुके हैं, बट अभी ना मेट्रो नहीं आई है। तो लगभग अभी ना टाइम 6:30 बज चुके हैं और मेट्रो ना सामने वाली रोड से दिखाई दे रही है। तो मेट्रो जैसी आती है वैसे मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हाला भी रुकना है अभी क्योंकि वहाँ पर ना स्टूडेंट चढ़ेंगे। फाइनली गाइस अभी ना मेट्रो भी आ गई है। फाइनली गाइस अभी ना हम सनासन में पहुंच चुके हैं और हमने ना अपनी दोनों मेट्रो यहाँ पर लगा ली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट करने आते हैं लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो अभी सनासन तो थोड़ा नीचे ही है पर हमने ना गाड़ी यहाँ पर लगाई। तो देख सकते हैं एक गाड़ी हमने यहाँ पर लगाई है और एक यहाँ पर, ये बड़े भैया की और ये है छोटे भैया की। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग टूरिस्ट पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेट्रो लगी, ज़्यादातर तो यहाँ पर स्कूली बच्चे आते हैं। अभी ना दिन के 11:30 बज चुके हैं और हमने ना सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और अभी ना हम जा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट करने यहीं पर ऊपर। गाइस देख सकते हैं अभी ना जो हमारी गाड़ी के उस्ताद हैं वो लगे हुए हैं खाना खाने को। और सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खाना खाने को। तो गाइस अभी ना
सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया है यहाँ सनासर में, और अभी ना हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ पर की झील वगैरह है सब कुछ। तो वीडियो के इन तक बने रहे तो जो जो रास्ते का व्यू होगा दिखाने की कोशिश बनी रहेगी। तो देख सकते हैं गाइस सनासर का काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और देख सकते हैं नीचे जो झील है ना सनासर की, काफ़ी बड़ी झील है। तो देख सकते हैं यहाँ से ना सभी जगहें दिखाई दे रही हैं सामने ही, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। और आज मौसम भी ना काफ़ी ख़राब है, और जब भी कहीं आपको घूमने का मन करे ना तो प्लीज़ सनासर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ठंडी जगह है और टूरिस्ट लोग ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट करने। और यहाँ पर झील में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिशें यहाँ पर हैं और इधर से उधर जा रही हैं। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी झील है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और देख सकते हैं गाइस लोग ना किश्तियों पर घूम रहे हैं, और ना यहाँ सनासर में ना काफ़ी घूमने के लिए जगहें हैं, और यहाँ पर ना खेलने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं खेलने को। और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बनाए हुए हैं। तो गाइस अभी ना हमने झील वगैरह भी देख ली है, तो अभी ना हम जो झील है ना उसकी इस तरफ आए हैं, और यहाँ पर ना काफ़ी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं घूमने, क्योंकि इस महीने में ना ज़्यादातर यहाँ पर बच्चे आते हैं घूमने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और देख सकते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, और आज मौसम ख़राब है तो इस अच्छा ही है क्योंकि धूप में ज़्यादा चला भी नहीं जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर चलते चलते अभी ना हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, और नीचे ना थोड़ी गर्मी लग रही थी, और यहाँ पर ना काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, और नीचे से ना भाई वगैरह भी आ रहे हैं, और मेरे साथ मेरा कज़न है, ये बेचारा मेरा फोटोग्राफर है, तो हम इधर जाके एक फ़ोटो लेंगे। जब हम स्कूल के साथ आए थे ना पिकनिक करने, तो मैंने इस जगह पर फ़ोटो बनाया था, तो मैं आज फिर से आई हूँ तो मैं यहाँ पर फिर से फ़ोटो बनाऊँगी। वाला सारा एरिया कवर कर लिया है, तो अभी हम फिर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तीन चार बंदे हमारे अपने मिल गए हैं, और भैया और जो ड्राइवर भाई थे वो अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, और हम सारे इकट्ठा ही हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फोटो बनाने के लिए लगे हुए हैं सभी लोग, जो कि हमारे साथी थे, भैया ये वाले भाई, ये वाले भाई और ये वाले भाई, सारे मेरे भाई हैं, देख सकते हैं। और देख सकते हैं काफी दुनिया आई है यहाँ पर टूरिस्ट करने। तो फ्रेंड्स अभी ना हम फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ों पर ना काफ़ी अच्छी छांव मिलती है, और यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और पेड़ देख सकते हैं कैसे कैसे हिल रहे हैं, और नीचे देख सकते हैं पूरा नज़ारा दिखाई देता है, और सरनसर लेक काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, देख सकते हैं, और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी झील है ये। छोटे छोटे आपको जो ऊपर बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि खेल रहे हैं, इस वाले स्कूल के साथ आए थे हम, और सनासर ना काफ़ी बड़ी प्लेस है, देख सकते हैं घूमने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा जगहें बनाई हुई हैं, और ये हमारे लोग।
देख सकते हैं इस वाले स्कूल के बच्चे जो हैं ये इन्हीं स्कूलों के बच्चों के साथ हम आए थे और देख सकते हैं इनके जो टीचर हैं ना काफ़ी अच्छे टीचर लगे मुझे क्योंकि ये बच्चों की ना काफ़ी देखभाल करते हैं अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से। और देख सकते हैं पेड़ की कैसे कैसे हिल रहे हैं। और अभी ना मैं यहाँ पर आई हूँ खीरा खाने तो भाई लगे हुए हैं खीरे को काटने। आ जाओ खीरा खाते हैं पहले। और देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने खीरे जो इसमें रखे हुए हैं ठंडे में ठंडा करने के लिए और यहाँ पर ना काफी ढेर सारी बोतलें भी रखी हुई हैं। फ्रेंड्स काफ़ी ना झील के आनंद भी ले लिए हमने और सना सर ने पूरी जगह पर घूम भी गए हैं तो अभी ना मेरे फ़ोन की बैटरी होने वाली है लो। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।